मंगलार्थी भाइयों, गुणस्थानों की चर्चा करते हुए हम सातवें गुणस्थान तक पहुंचे थे। प्रचुर स्वसंवेदन, शुद्धोपयोगमय दशा, आत्मभावना वाले मुनिराज, ये सातवें गुणस्थान कहे जाता है। और वर्तमान पंचम काल की यह सर्वोत्कृष्ट दशा है। वैसे मुनिराज छठवें सातवें गुणस्थान में पेंडुलम की भांति, घड़ी में पेंडुलम होता है, जिस प्रकार वो टू एंड फ्रो होता है, वैसे निरंतर ये छठवां सातवां असंख्यात बार होता रहता है। मैंने पहले आपको याद होगा, मैंने बताया था, वैसे बुद्धिपूर्वक सातवां गुणस्थान होगा तो खड़गासन या पद्मासन में ही होगा, क्योंकि खान पान, उठना बैठना, उपदेश सुनना सुनाना, ग्रंथ लिखना लिखाना आदि, ये जितने भी कार्य है, प्रायश्चित लेना देना, दीक्षा लेना देना, ये कार्य छठे गुणस्थान में होते हैं। सातवें गुणस्थान तो शुद्धोपयोग का काल है। ऐसा होने पर भी गमन करते समय, आहार करते समय सहज में ही सातवां गुणस्थान मुनियों को भी होता रहता है। कैसे होता रहता है, मैंने थोड़ा सा उदाहरण एक बार दिया था, क्योंकि जैसे मुनिराज भोजन कर रहे हो, भोजन करने के लिए उनको 3 मुहूर्त भी लग सकते हैं। आपको ज्ञान में है, मुनियों को जगन्य काल भोजन के लिए 1 मुहूर्त बताया, ये उत्कृष्ट मुनि बताए, फिर मध्यम 2 मुहूर्त, और उत्कृष्ट काल उनको लग सकता है जगन्य मुनियों को, जगन्य श्रेणी वाले, उनको 3 मुहूर्त बताया। 3 मुहूर्त भी जब उनको भोजन के लिए लग सकते हैं, 3 मुहूर्त मतलब लगभग 2.5 घंटे, 2.5 घंटे जब भोजन के लिए लगेंगे, एक प्रश्न उभर कर सामने आता है, अंतर मुहूर्त में जब छठवां सातवां झुलना है, और छठवें गुणस्थान में यदि उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त भी होता हो, तो आपका ये कहना है, धवलकार का ये कहना है कि वे सीधे पहले गुणस्थान में आते हैं। मतलब 2 समय कम 48 मिनट, इतना काल छठवें गुणस्थान में जाना भी जहाँ बर्दाश्त नहीं हो, वहाँ पर यदि 2.5 घंटे खाने में चले जाएंगे, शुद्धोपयोग से रहित हो जाएंगे, मुनि पाना कैसे सुरक्षित होगा, प्रश्न हमारे पास ये है। वैसे ही और प्रश्न एक ये है कि मुनिराज गमन कर रहे हो, विहार करने में ये तो बात नहीं है कि वे विहार करेंगे तो 1/2 घंटे से ज़्यादा नहीं चलेंगे, वे तो जैसे दक्षिण से पुष्पदंत और भूतबलि वहाँ से निकले और दर्शन की तरफ आ रहे थे वे मिलने के लिए, तो वे दिन में वे क्या इसी भांति चले होंगे, 1/2 घंटा चलो और फिर रुक जाओ और फिर बैठे सामायिक करने, क्योंकि उनको कितनी जल्दी आना था, और यदि वे ऐसा करते तो उनको आने में उतना टाइम लगता जितने काल में दर्शन स्वामी वहाँ टिकते भी नहीं। तो यह बात संभवित है कि वे 2-3 घंटे भी कंटिन्यूस चले होंगे, दिन में 3-4 घंटे तो चले होंगे कि नहीं, मुनिराज इतनी जल्दी आना है तो दिन में मैं मानता हूँ 3 घंटे तो ही चले ही होंगे, 3-4 घंटे तो मान के चले, कंटिन्यूस 1.5-1.5 घंटा भी चले ही होंगे मुनिराज, चली कंटिन्यूस, अरे 10 किलोमीटर भी चलना है कंटिन्यूस तो भी 1 घंटा लग जाता है कि नहीं, 10 किलोमीटर चलने में लगता ही है। तो मेरा ये प्रश्न है, 1 घंटा फिर चलेंगे वे तो कहाँ अंतर मुहूर्त में फिर शुद्ध उपयोग होगा, ये सब समस्या हमारे सामने आहार में भी खड़ी है, विहार में भी खड़ी है, और निद्रा में भी खड़ी हो सकती है, निहार आदि में भी खड़ी हो सकती है, कितना काल जा सकता है बीच बीच में कहीं भी। और इसमें कैसे हम संगति बिठाए, संगति इतनी है कि मैंने आपको पहले भी बताया होगा, कभी बताया था क्या, जैसे भोजन कर रहे हो, मुनिराज आहार ले रहे हो, तो आहार लेने के काल में भी जैसे उन्होंने उनके अंजलि पुट पर कोई ग्रास आया, तो ग्रास आते ही वे उसका
शोधन करने में लग जाते हैं। शोधन करने के काल में उनका छठवा गुणस्थान बना रहता है। फिर जब वे उसको मुंह में डालेंगे, अभी कोई उपयोग की बात रही नहीं वहां पर, तो चबाना ही है, तो चबाने के लिए फिर चबाते समय उनको सातवां गुणस्थान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सातवां गुणस्थान। और फिर निगलना है, निगलने के लिए फिर ताकत चाहिए थोड़ी, पवन आदि के माध्यम से प्रेरणा चाहिए। टोडरमल जी साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, श्वेतंबर मत के खंडन में, उनका ये कहना है विहार आदि जैसे कर्म के उद्देश्य होते हैं वैसे आहार आदि होगा। टोडरमल जी साहब ने कहा ऐसा नहीं, उसमें उपयोग जोड़ना पड़ेगा, और उपयोग जोड़ेंगे वहां पर पवन आदि का प्रेशर देकर निगलने के लिए जोर देना पड़ता है। तो इस न्याय से हम ये बोल रहे हैं कि निगलने के काल में छठो गुणस्थान फिर से उनका होता होगा, ठीक है। और फिर मतलब छठवा सातवा कई बार झूलते होंगे बीच में, ये बात अबाधित सत्य है कि जब जब भी सातवा गुणस्थान उनका होगा बाहर में उनकी नासाग्र दृष्टि होगी ही होगी, ठीक है। अब हम चलने की थोड़ी सी प्रक्रिया देखें। अभी विहार कर रहे हो, विहार करने में चल रहे हैं शीघ्रता से, चलते चलते उनको यदि सातवां गुणस्थान आना हो तो वो क्या स्थिति होगी थोड़ा समय बता दो आपको। सातवां गुणस्थान यदि उनको आना हो तो चलते चलते वे मान के चलो आगे का पैर अच्छी तरह से रखा हो और पीछे का अच्छे से उठाया न हो, ऐसी दशा में उनको शुद्ध उपयोग हो जाएगा। क्योंकि पैर आगे रखकर चलने में देखने की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो ये समिति नहीं पलेगी, व्यवहार मुनिपना ही भ्रष्ट हो जाएगा, तो निश्चयपना कहाँ रहेगा, तो यह संभव नहीं। तो शुद्ध उपयोग कब होगा, जब आगे का पैर अच्छे से जमा लिया हो, पीछे का पैर अभी उठा नहीं लिया हो, उसके बीच में ही सातों गुणस्थान होगा, नासग्र दृष्टि होगी, और फिर वे चलना, फिर गति लेना चालू करेंगे और फिर गति बड़ी दिखेगी, फिर शुद्धोपयोग का काल आना हो फिर उनकी गति धीमी दिखेगी, शुद्धोपयोग होगा फिर गति बढ़ती जाएगी उनकी, ऐसा अपने आप सहजता से होता चलेगा, इसमें कुछ बात नहीं है और बुद्धिपूर्वक करने की बात नहीं है, ये सहजता से ही उनको धगज लगी है, न चाहते हुए भी वे आत्मध्यान होता रहता है। जिसका बालक मर गया हो उस माँ को न चाहते हुए भी निरंतर बिना प्रयास के बोलो बालक की याद आती रहती है कि नहीं आती रहती है, सहज आती रहती है, उसमें बुद्धिपूर्वक कोई जोर लगाना पड़ता नहीं है। तो उसी प्रकार मुनियों के ये होता है। और एक प्रकरण बताएंगे और फिर आठों गुणस्थान की तरफ, आठों गुणस्थान आज पूर्ण करना है। बात यह है कि आपको शायद पता नहीं है, ये पांच प्रकार के संयम होते हैं। कौन कौन से चारित्र होते पांच प्रकार के? सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात चारित्र। आपको नहीं पता क्या ये? तो सामान्य ही इसकी चर्चा करेंगे। वैसे कहना तो यही है कि सामायिक और छेदोपस्थापना ये दो चारित्र छठवें से नौवें गुणस्थान तक पाए जाते हैं, और परिहार विशुद्धि मात्र छठवें सातवें गुणस्थान में पाया जाता है। कौन से गुणस्थान में? छठवें सातवें गुणस्थान में। अब उसमें भी ऐसा ही समझना है कि छठवें सातवें गुणस्थान में ये जो परिहार विशुद्धि कही है, ये रिद्धि कही है, जिसमें मुनिराज गमन करते हैं, तो इसमें भी जो गमन करने की बात आई है उसमें भी बीच बीच में आपको शुद्ध उपयोग लेना जरूरी पड़ेगा, ठीक है। ये सब जगह लगा लेना। परिहार विशुद्धि में क्या होता है, मुनिराज गम, उनकी एक रिद्धि प्रकट होती है जिसको लेकर वे गमन करते हैं अधर आकाश में, ऊर्ध्व गमन नहीं, आकाश में गमन करते हैं अधर में, ऐसी एक रिद्धि होती है, तो उसके बीच में भी छठा सातवा होगा, तो वो उसके बीच में लगा लेना। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि सातवें गुणस्थान से ज्यादा काल छठा गुणस्थान का रहता है। हाँ
नहीं, लेकिन फिर भी सातों गुणस्थान ज्यादा काल के लिए नहीं रहता है उनका। यदि सातों गुणस्थान ज्यादा काल के लिए रहे उनका, तो अंतर्मुहूर्त से यदि बनने लग जाए तो सीधा जाएंगे ना, केवल ज्ञान होगा उनको अंतर्मुहूर्त में, यदि शुद्ध उपयोग करेंगे तो ज्यादा नहीं टिकते वहां पर। यदि ऊपर चढ़ना हो तो ही वह संभव है, और ऐसी स्थिति में ऊपर चढ़ना भी संभव नहीं है, क्योंकि आठवा आदि गुणस्थान, तो आठवा आदि गुणस्थान का तो कोई बात ही नहीं है इसमें, यह तो दो आसन में ही होगा, इसमें कोई शंका नहीं है, या तो खड़गासन या पद्मासन में। और उपसर्ग की कोई दशा हो तो उपसर्ग की दशा में उन पर उपसर्ग चल रहा हो तो फिर ऐसी दशा में तो उल्टी मुद्रा भी हो उनकी, पैर ऊपर और सिर नीचे, तो ऐसे में भी उनको ध्यान होने में कोई बाधा नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा ये जो सिद्ध भगवान आज विराजमान है सिद्ध शिला पर, वे तीन आसन में विराजमान है, एक तो पद्मासन, एक तो खड़गासन, और एक तो टेढ़े भी है। ये टेढ़े गए वाले कौन है, हालांकि हम चित्र में बनाते नहीं है, लेकिन ये टेढ़े गए वाले कौन होने चाहिए। ब्रह्मचारी रायमल जी ने लिखा, ये जो उपसर्ग वाले है, ये जिस हालत में उनको केवल ज्ञान हुआ उसी हालत में बराबर वे ऊपर चढ़ जाते हैं और उसी हालत में वे बने रहते वहां पर, ठीक है। और आकार प्रकार तो क्या, कोई शरीर तो रहते नहीं वहां पर, इसलिए किसी को भद्दा दिखेगा ऐसी तो कोई बात ही नहीं, दिखने की तो कोई बात नहीं है वहां पर। चलते हैं हम आगे, ठीक है। तो ये भी कहना था, तो हमने ये भी बात यहाँ पर रख दी है। एक मिनट, इससे एक बात फलित होती है, देखो कौन सी, छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के परिहार विशुद्धि हो सकते कह रहे ना, परिहार विशुद्धि मतलब मैं थोड़ा बता ही दूँ आपको, इनमें ऐसी प्रकार की वृद्धि होती है, ये लगभग 30 साल तक, ये मुनियों की विशेषता है, ये 30 साल तक राज घराने के रहते हैं, ये बहुत बड़े घराने के समृद्धशाली, तो वो ऐश्वर्य से जीते हैं वहाँ पर 30 साल तक, विषय भोगों में रमते हैं, फिर उसके बाद विरक्त होकर ये मुनि दीक्षा अंगीकार करते हैं, फिर 8 वर्ष के लिए ये केवली श्रुत केवली के पाद मूल में आकर प्रायश्चित नाम के पूर्व का अध्ययन करते हैं 8 साल तक, और फिर वहाँ पर उनको रिद्धि प्रकट होती है, उसे कहते हैं परिहार विशुद्धि। उसका ये नियम है कि वे संधि कालों को छोड़कर दिन में रोज 4 कोश गमन करते हैं, और गमन करने में भी उनकी ये रिद्धि प्रकट होती है कि किसी पर भी पैर रखते हैं ना वे, फूल पर कदाचित भौरा बैठे तो कदाचित फूल झुक सकता है, लेकिन उनका पैर पड़े तो कदापि नहीं झुकेगा, ऐसी रिद्धि होती है, उनके निमित्त से कोई जीव का घात नहीं होता, इसलिए ऐसे मुनियों के पास पीछी नहीं होती, उन जीवों का घात ही नहीं होता, लेकिन ठीक है। परिहार विशुद्धि, अभी बात इतनी सी है, 8वें गुणस्थान के आगे परिहार विशुद्धि होगी क्या, मेरा प्रश्न है, आपका क्या कहना है? नहीं होगी। परिहार विशुद्धि वही होगी जहां पर गमन की प्रवृत्ति हो, जहां पर गमन की प्रवृत्ति नहीं हो वहां पर परिहार विशुद्धि कैसे होगी? तो 8वें गुणस्थान में प्रवृत्ति होगी नहीं तो वहां पर परिहार विशुद्धि नहीं होगी। वहां पर परिहार विशुद्धि, परिहार रिद्धि हो सकती है, लेकिन परिहार विशुद्धि संयम नहीं हो सकता। थोड़ा अगेन फिर से, वहां पर परिहार रिद्धि हो सकती है लेकिन परिहार विशुद्धि नामक संयम नहीं हो सकता। परिहार विशुद्धि नामक संयम के पालने के लिए गमन करना जरूरी है, और रिद्धियों के होने के लिए वो रिद्धियां पड़ी रहती है ताकत में। कितने जन समझ रहे बात को? बस मतलब 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में बड़े हैं ना अभी, तो ये रिद्धिधारी है, अभी भी रिद्धिधारी है, लेकिन ये संयम नहीं है। वो संयम मतलब वो रिद्धियों का प्रयोग वो 6वें 7वें में ही होगा परिहार। ये महत्वपूर्ण प्रकरण मैंने आपको बताया है कि 8वें गुणस्थान के आगे परिहार रिद्धि तो हो सकती है, परिहार विशुद्धि संयम नहीं, संभव नहीं है। अब और एक बात, 7वें ही अभी अभी जो गुणस्थान हमने देखा, क्या देवायु का बंध वहां पर हो सकता है? देवायु का बंध कहां पर हो सकता है? यदि 6वें आयु में बंध चालू हुआ हो आयु का, तो 7वें गुणस्थान तक वो बन सकता है, अलग सा 7वें गुणस्थान में आयु का बंध नहीं होगा। हमने देखा ना 7वें गुणस्थान में कितने प्रकृतियों का बंध देखा हमने,
सात्विक गुणस्थान में कौन से प्रकृति, कौन से प्रकृति का बन देखा भैया, कितनी प्रकृति का बन देखा? संजलन के मंदोदय को लेकर कितनी प्रकृतियों का बंध कहा हमने? कौन सा? मात्र देवायु का कहा था मैंने, एक याद आ रहा है आपको कुछ? और मुझे तो अभी यह कहना है कि देवायु का भी जो बंध होगा उनको, उस यदि छठवे से बनना चालू हुआ हो और वो इसी बनती रहे तो कदाचित सातवें में भी बनती रहेगी, नए सरे से सातवें में बनना चालू नहीं होगी वो। तो निष्ठापन की अपेक्षा, पूर्णता की अपेक्षा सात्विक गुणस्थान में भी देवायु का बंध होता रहे तो होता रह सकता है। और वो भी मैंने कहा था सात्विक गुणस्थान के सातिशय अप्रमत्त भाग में ये नहीं देखा जा सकता, वहां पर देवायु का बंध नहीं होता है, पूर्वार्ध में ही स्वस्थान अप्रमत्त संयत गुण भाग में ही उसका बंध होता है। चलते हैं अभी आठवें गुणस्थान की चर्चा करनी है आज। पहले तो हम गाथाएं पढ़ ले, कोई प्रश्न है? प्रश्न हो तो रखो भाई। चलिए ये 51, 52 और 53 ये तीन गाथाओं का हमको स्वाध्याय करना है, अभी हम करते हैं। एदम ही गुण ठाणे विसरिस समय ठिये हिम जीवे हिम पूवम पत्ता जम्हा होंती अपवाहु परिणामा। एक एक कार्य देखेंगे हम, पढ़िए सब एक साथ। एदम हि गुण ठाणे विसरिस समय ठिये हिम जीवे हिम पूवम पत्ता जम्हा होंती अपवाहु परिणामा। क्या सूक्ष्म सांप्राय और एक यथाख्यात, ये ऐसे पांच चरित्र बताए थे मैंने, ठीक है। सूक्ष्म सांप्राय दसवें गुणस्थान में होता है और यथाख्यात चरित्र ग्यारहवें गुणस्थान से आगे होता है, यथाख्यात चरित्र कहते हैं उसको, क्योंकि वितरागी होते हैं ना वे, तो उनको यथाख्यात चरित्र पूर्ण चरित्र वहां पर प्रकट हो जाता है। चलिए तीन अपेक्षा इसमें तो, ग्यारहवें से यथाख्यात चरित्र होता है, फिर कभी कहेंगे बारहवें में क्षायिक चरित्र होता है, और कभी ये कहेंगे कि चरित्र की पूर्णता चौदहवें गुणस्थान के अंतिम समय में होगी। ये आपको अपेक्षाएं समझनी पड़ेगी सब, ठीक है। ग्यारहवें में यथाख्यात चरित्र क्यों कहा? राग द्वेष कुछ है नहीं। और बारहवें में क्षायिक चरित्र क्यों कहा? मोहनीय का क्षय हो गया। चौदहवें गुणस्थान के अंतिम में क्यों कहा चरित्र? क्योंकि मोक्ष की दशा है अभी, और दर्शन ज्ञान चरित्र की पूर्णता ही मोक्ष है, उस अपेक्षा से वहां पर बताया। चलू मैं आगे। अभी पहली गाथा का अर्थ हम देखना है। एदम ही गुण ठाणे इस गुणस्थान में, ठीक है, विसरिस समय ठिये हिम जीवे हिम विसरिस समय ठिये हिम, विसरिस मतलब सरिस मतलब सदृश समान, और विसरिस मतलब असमान। इस गुणस्थान में असमान समयवर्ती जीवों के, असमान समयवर्ती जीवों के पूर्वम अपत्ता जम्हा, पूर्व में कभी भी प्राप्त नहीं हुए थे ऐसे होंती अपूर्वाहु परिणामा, ऐसे अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं। गाथाकार सबको समझ में आया? यहाँ पर आश्चर्य की बात यह है, यहाँ पर दो जीवों की तुलनात्मक ज्ञान कराया गया है, जबकि मात्र इतना कहते कि जीव को प्रत्येक समय में उत्तर उत्तर अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं, और यहाँ पर क्या बोले ये दो जीवों को खड़ा किया। क्यों किया? क्योंकि हमने तब भी कहा था ये केवल ज्ञान गोचर प्रकरण है, हमें समझाने के लिए आचार्य ने कुछ कंपेरेटिव स्टडी कराई है दो जीवों के बीच में। जैसे कहते ना कि मैंने तब उदाहरण दिया था आपको, सेंसेक्स बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं कि पॉपुलेशन 2000 में कितनी थी, 2005 में कितनी थी,
2010 में कितनी है, 2015 में कितनी है पॉपुलेशन, तो ग्राफ बनाया जाता है, तो कंपेरेटिव स्टडीज को कहते हैं, तो वहां पर फिगर नहीं भी लिखो तो भी पता चलता रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर दोनों की तुलना में अध्ययन किया जाता है, तो दो जीवों को लिया है जो असमान समयवर्ती जीव हो, जो दो असमान समयवर्ती जीव हो उनके परिणाम उत्तर उत्तर बढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। जो इस समय में जीव आठ गुणस्थान में आया है, अभी इसके बाद जो जीव आठ गुणस्थान में आएगा निश्चित तौर पर उसके इस जीव के परिणाम से परिणाम चढ़े बड़े ही होंगे, इसके तो होंगे ही स्वयं के, लेकिन दूसरे जीव के भी होंगे, आपको ख्याल में है। और एक गाथा पढ़ते हैं अब, चलो उसका पहले भाव बता दूं और फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने तीन बातें कही थी आपको जब हमने त्रिकरण पढ़ा था, करण लब्धि के अंतर्गत, पंचलब्धि के अंतर्गत, सम्यक्तु की पूर्व भूमिका के अंतर्गत। क्या पढ़ा था हमने, हमने ये पढ़ा था कि अधकरण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम कुछ भिन्न कुछ अभिन्न, फिर अभिन्न समयवर्ती परिणाम जीवों के परिणाम कुछ भिन्न कुछ अभिन्न, समान समयवर्ती के कुछ समान कुछ असमान, असमान समयवर्ती जीवों के परिणाम कुछ समान कुछ असमान, ये बात हो गई। अपूर्वकरण में क्या कहा था, अपूर्वकरण में कहा था कि समान सॉरी असमान समयवर्ती जीवों के परिणाम सदा ही असमान, और समान समयवर्ती जीवों के परिणाम कुछ समान कुछ असमान, याद आ रहा है। और फिर अनिवृत्तिकरण में हमें देखना है कल कि असमान समयवर्ती जीवों के परिणाम सर्वथा ही असमान, और समान समयवर्ती जीवों के परिणाम सर्वथा ही समान, याद आ रहा है। कुछ मैंने इसके लिए कुछ उदाहरण दिए थे, मैंने उदाहरण दिया था पीछे को खिंचता हुआ आगे बढ़ता है, तो मैंने कहा था सीधा कोई फिफ्थ में आया तो उसको अभी तक का जो बालक है उस वो तो ज्ञान है ही, साथ साथ और भी आगे का ज्ञान है। सीधा कोई दूसरी से फिफ्थ में आया तो उसको, और कोई फोर्थ में है तो उसको फोर्थ का भी ज्ञान है, उसको अब पढ़ने लग गए फिफ्थ में, और कुछ फोर्थ का है कुछ फिफ्थ का भी ज्ञान है उसको, आप समझ रहे हैं। समय समान समयवर्ती जीवों के परिणाम को समान, अथवा एक ही क्लास के दो विद्यार्थी है ऐसा ले लो, एक ही क्लास के दो विद्यार्थी है, किसी किसी में समानता है और किसी किसी में असमानता है, समान समान कालवर्ती ऐसे ले लो, और असमान समयवर्ती जीवों के परिणाम कुछ समान और कुछ असमान, जैसे फोर्थ फिफ्थ का लेंगे तो कुछ कुछ समान बातें और कुछ कुछ असमान भी है उनमें ऐसा। और फिर अपूर्वकरण में क्या लिया था, आगे के जो जीव है उनमें तो सर्वथा ही असमान रहेगा भिन्न समयवर्ती, ठीक है, जैसे आगे पीछे के जो क्लासेस है उनमें तो सर्वथा ही असमान, जो इसको आते वो उसको नहीं, उसको आते वो इसको नहीं, ऐसा एक उदाहरण खड़ा करो अभी, क्योंकि आप बोलेंगे कैसे नहीं आएगा आगे, ये तो पढ़ के गए उसको तो आएगा ही वो, अभी उदाहरण हमको फिट करना है ना, तो सर्वथा ही असमान करना है असमान समयवर्ती जीवों के, ठीक है। और अनिवृत्तिकरण के लिए क्या उदाहरण दिया था याद आ रहा है, मैंने कहा था समान समयवर्ती जीवों के परिणाम सर्वथा ही समान और असमान समयवर्ती जीवों के परिणाम सर्वथा ही असमान, इसके लिए उदाहरण यह दिया था कि उस दिन क्लास में वही पढ़ाया जाएगा अभी अगले साल आना, याद है, तो ये उसी समय के उतना ही वो समान परिणाम होगा सबका, कम ना ज्यादा, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे की गाथा पढ़ते हैं, भिन्न समय ठेहिम, भिन्न समय ठेहिम दुजीवे हिम न हो दिसवदा सरिसो करणे हिम एक समय ठिये हिम सरिसो विसरिसो वा। अब दोनों में से कोई अर्थ बताएगा इसका, सीधा छंद छंद से विसरिस मतलब क्या, बराबर विसदृश, विसदृश मतलब भिन्न, आपने उल्टा बताया, देखिए मैं बताने का प्रयास करता हूं, भिन्न समय ठिये हिम जो भिन्न समानवर्ती जीव है, जीवे हिम न हो दिसवदा सरिसा, उनके परिणाम सर्वथा ही समान नहीं होते, अपूर्व अपूर्व होते ना, नामी अपूर्व अपूर्व जो अभी तक नहीं हुए, करणे हिम एक समय
ठीये हिमसरिसो विसरिसो वा। और इस करण में एक समयवर्ती जीव के परिणाम क्या बात है भाई, हम सब हंसे आनंद लेवे हम भी हंसने का। और एक समयवर्ती जो जीव है उनके परिणाम कुछ समान और कुछ असमान, ये समझ में आ रहे दोनों का आपको? क्यों रोज रोज लेट आ रहे हैं? क्या बाल कटवा क्या है अभी? तो इतना लेट कैसे हो गया? अब तो गैप था एक घंटा, तो आप पहले नंबर लगा देते ना आपका, तो फिर अभी बनवा क्या है? बैठो। हाँ चलो आगे बढ़ना है, 53वीं क्या था देखते हैं। अंतो मुहूर्त में ते पड़ी समयम संख लोग परिणामा कम उड्ढा पूव गुणे अणुकट्टीन थिणिय मेण। पढ़िए सब पढ़िए। अब दोनों खड़े रहो पीछे, खूब हंसो, आप बाहर जाओ और खूब हंस के आओ, जाओ। एक तो आपका ध्यान रहता नहीं है, आप हंसते क्यों हो? यह कोई कॉमेडी शो तो नहीं कर रहे ना? बहुत हंसी आ रही इसको जब से। देखो क्या कह रहे, अंतो मुहूर्त में ते, अंतर मुहूर्त काल में पड़ी समयम, प्रत्येक समय में उस अंतर मुहूर्त काल में उस गुणस्थान में प्रत्येक समय में क्या होता है? असंख्य लोग परिणामा, असंख्यात लोग प्रमाण, कम उड्ढा पूर्व गुणे क्या होता है? परिणाम, हाँ, क्रम से ऊर्ध्व चढ़ते हुए उत्तर उत्तर अपूर्व अपूर्व ऐसे परिणाम होते रहते हैं। अणुकट्टी अनुकृष्टि नत्य नियमेन, अनुकृष्टि रचना नियम से नहीं होती, क्यों? अनुकृष्टि रचना के लिए भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम कुछ भिन्न कुछ अभिन्न चाहिए, और इसमें सर्वथा ही भिन्न है। अनुकृष्टि रचना तो खैर अपूर्वकरण में भी नहीं होती, ये अपूर्वकरण ही की तो बात है ये, ठीक है, समझ में आ गया? अनुकृष्टि होती तो भिन्न समयवर्ती परिणामों के परिणाम कुछ समान कुछ असमान होते, पीछे को खिस्ता हुआ आगे, और ये सर्वथा ही असमान है, तो अनुकृष्टि नियम से नहीं होगी कह रहे। ये तीनों छंद किसको समझ में आ गए अर्थ? तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी शब्दार्थ कितने जन को ख्याल में आ गया? क्या भाई पारस, क्यों समझ में नहीं आया? क्या नहीं समझ में? एदम ही गुण ठाणे, इस गुणस्थान में विसरिस समय ठिये हिम जीवे हिम, विसरिस समय के जीवों में, विसरिस विसदृश असमान, असमान समयवर्ती जो जीव है उनमें, असमान दो जीवों में कंपैरिजन करके दिखा रहे ना, असमान समयवर्ती जीव है उनमें परिणाम सर्वथा ही असमान होंगे, अपूर्व अपूर्व होंगे, ये बता रहे। मैं आगे बढ़ता हूं अभी। अब देखिए इसमें जो चार आवश्यक अध प्रवृत्त करण में देखे थे, अधक करण में, वो यहां पर भी चार आवश्यक होते हैं, और उसके साथ और चार आवश्यक होते हैं। वहां पर कौन से चार आवश्यक देखे थे कल हमने? बोलो, ये बोलो, कल कौन से चार आवश्यक देखे थे हमने? प्रत्येक समय प्रति समय विशुद्धि का बढ़ना एक, दूसरे का क्या देखा था? और स्थिति बंधापसरण बराबर दो, तीसरा प्रशस्त प्रकृतियों का चतुष्थानगत रचना, और
अप्रशस्त प्रकृतियों में दुस्थानगत रचना होना, ये हमने पूर्व की क्लास में देखा था। ठीक है, ये सात्विक गुणस्थान की ही चर्चा हमने वहां से खोल कर देखी थी। अभी यहाँ पर ये वे चार आवश्यक तो होते ही है, अब देखिए और चार आवश्यक यहाँ होते हैं। देखिए 155 पृष्ठ पर, इस गुणस्थान में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम पूर्णतः भिन्न भिन्न होने से अनुकृष्ट रचना नहीं होती। यह अदब प्रवृत्तकरण में होने वाले चारों आवश्यक तो होते ही है, इनके साथ ही इस गुणस्थान संबंधी गुणश्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति खंडन, अनुभाग खंडन, ये चार आवश्यक भी नियम से होते हैं। मैंने कुछ महत्वपूर्ण बात वहां पर बताई थी, याद आ रहा है आपको? अपरोकरण के अंतर्गत मैंने कहा यहां पर चार आवश्यक लिखे हैं, लेकिन उसमें कुछ महत्वपूर्ण बात मैंने बताई थी। मैंने कहा था चार आवश्यक वहां लिखे हैं, लेकिन पंचलब्धि में जो करण लब्धि होती है वहां पर अपरोकरण में गुण संक्रमण नहीं होता, और अन्यत्र जितनी भी जगह अपरोकरण होगा वह गुण संक्रमण होता है। याद आ रहा है मैंने कहा था आपको? और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी पढ़ाया था आपको, वहां पर लिखा मिला था कि गुण संक्रमण यहां नहीं होता। ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि अन्य सर्वत्र अपरोकरण में होता है। याद आ रहा है आपको? चलो गुण श्रेणी निर्जरा, इसका अर्थ क्या बताया था? गुण श्रेणी निर्जरा की श्रेणी का अर्थ बताया था सैनी सीढ़ी क्रम से बढ़ते जाना, और गुण श्रेणी निर्जरा गुना गुना मल्टीपल मल्टीपल मल्टीपल, अब कितने भी मल्टीपल में हो सकते हुए 1000 गुना 2000 गुना अनंत गुना, ऐसा गुण श्रेणी निर्जरा। आगे क्या देखा था हमने? गुण संक्रमण। गुण संक्रमण का क्या अर्थ देखा था? पाप का पुण्य रूप संक्रमित होते जाना गुना गुना में गुना गुना में। और क्या देखा था हमने? स्थिति खंडन और अनुभाग खंडन का अर्थ क्या देखा था? पूर्वकृत कर्मों की स्थिति खंडित होना, स्थिति कांडक घात, याद आ रहा है? और अनुभाग कांडक घात, पहले जो अनुभाग है उसका खत्म होते जाना, अनुभाग कांडक घात। एक हमने देखा था स्थिति कांडक घात, एक देखा था स्थिति बंधापसरण। तो दोनों के अर्थ, स्थिति बंधापसरण मतलब नए आने वाली कर्म प्रकृतियों की बात थी, और स्थिति कांडक घात ये नया पुराना। ये पेज नंबर कौन सा रिफर करेंगे भैया इसके लिए? हार्दिक बहुत अच्छा, 134 पर हम आए हैं। देखिए स्थिति कांडक घात लिखा है यहां पर, बस यही है स्थिति खंडन, दूसरा कुछ नहीं। नहीं अपूर्वकरण भैया, अपूर्वकरण नहीं, आप परिभाषा तो वहां पर बताई थी प्रायोगिक लब्धि में, लेकिन ये अपूर्वकरण यहाँ पर है ना, स्थिति कांडक घात अनुभाग कांडक घात, ये बता रहा हूं मैं। चलो भाई मैं आगे, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमको देखना ये है सम्यक्त की अपेक्षा इसका क्या स्वरूप, और चारित्र की अपेक्षा क्या स्वरूप, ये देखना है हमको। बोलो भाई सम्यक्त की अपेक्षा आठवें गुणस्थान में कौन सा सम्यक्त होगा? अभी यहाँ पर थोड़ा मामला बदल गया है, यहाँ पर कौन सा सम्यक्त होगा? यहाँ पर क्षयोपशमिक सम्यक्त अब होगा नहीं, प्रथमोपशम भी यहाँ पर होगा नहीं, बराबर यहाँ पर श्रेणी चढ़ना चालू की है, या तो द्वितीयोपशम सम्यक्त हो या क्षायिक सम्यक्त हो, उसके बिना श्रेणी चढ़ता ही नहीं है। चल मल अगर दोष वाला सम्यक्त यहाँ पर काम में नहीं आएगा। अभी जो श्रेणी चढ़ रहा है, जैसे क्षपक श्रेणी चढ़ रहा हो तो क्षायिक सम्यक्त तो पाया जाएगा, और उपशम श्रेणी चढ़ रहा हो तो कोई भी सम्यक्त तो पाया जाएगा, क्षायिक सम्यक्त तो भी और है औपशमिक सम्यक्त तो भी दोनों, ठीक है द्वितीयोपशम वाला। और मैंने कहा भी था द्वितीयोपशम कहाँ पर प्रकट होता है, वैसे ये चौथे से लेकर सातवें तक प्रकट हो सकता है द्वितीयोपशम सम्यक्त। और मैंने ये भी कहा था जिसको श्रेणी माननी है उसके लिए ही ये प्रकट होता है द्वितीयोपशम सम्यक्त। यहाँ पर भी अनंतानुबंधी की विषय योजना होती है, और अनंतानुबंधी की विषय योजना के लिए त्रिकरण परिणाम आवश्यक पड़ता है। विषय योजना का अर्थ क्या बताया था? पलटना, अन्य रूप, संयोजित होना। मैंने कहा था एक प्रकार से वो सत्ता में से ही खत्म होती है, लेकिन फर्क इतना ही है वो वापस उदय में आ सकती है। याद आ रहा है आपको? एक प्रकार का संक्रमण है स्थिविक संक्रमण, अपने बोला था अनंतानुबंधी चेंज होकर फिर प्रत्यक्षण प्रत्यक्षण रूप होकर उदय उदय में आती रहती है, हाँ देश गति रूप होकर ऐसा होता रहता है।
अभी चरित्र अपेक्षा हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसके। आठवें गुणस्थान में चरित्र कौन सा, क्योंकि 21 प्रकृतियों की चरित्र मोहनियों की 21 की क्यों अनंत अनुबंधी कहा चली गई? अरे अनंत अनुबंधी तो इन्हीं रूप हो गई अभी विसंयोजित। यदि द्वितीय उपशम सम्यक तो होगा तो क्षयिक सम्यक तो होगा तो सत्ता ही नहीं उसकी, तो सत्ता सत्ता तो ऐसी किसी की नहीं, लेकिन वो तो खत्म ही हो गया। तो अब चरित्र मोहनी की या तो उपशम न होनी है या तो क्षप न होना है, ठीक है। तो चरित्र की तरफ से देखेंगे तो वैसे अभी क्षपण या उपशम हुआ नहीं है, क्षपण या उपशम हुआ नहीं है, लेकिन आगे चलकर 11वें गुणस्थान तक बढ़ते बढ़ते उपशम होगा, इसलिए भावी निगम नहीं से अब भी इसको औपशमिक भाव कहेंगे। औपशमिक चरित्र तो 11वें में होगा कायदे से, लेकिन उपचार से अभी कहेंगे भावी निगम नहीं से। और जो नहीं मरने वाला हो उसकी बात चल रही है हमारे, है ना, लेकिन जो मरने वाला हो बीच में, आप नहीं समझ रहे मेरी बात को, देखिए जब उपशम श्रेणी चढ़ता है ना तो उसका एक नियम है, आठवें गुणस्थान के पहले भाग में नहीं मरता हो, बाकी कहीं भी बीच में मर सकता है। आठवें गुणस्थान के समस्त भागों में पहले भाग को छोड़कर 90वें गुणस्थान में से 10वें में 11वें में कहीं भी मर सकता है, 12वें में तो आता ही नहीं उपशम श्रेणी वाला, ठीक है। आठवें गुणस्थान के प्रथम समय में क्यों नहीं मरता, क्योंकि वहां पर विशेष पुरुषार्थ है, अभी करण चढ़ रहे ना, सातवें गुणस्थान में बहुत प्रेशर था, तो तुरंत आठवें के पहले में तो नहीं मरेगा। तो यदि फिर दूसरे के मरना हो तो दूसरे के बाद मर सकता है, समझ में आ रहा है। और यदि वो नहीं मरता है, पूर्ण उपशम श्रेणी चढ़ेगा 11वें तक, तो फिर समझना चाहिए तो फिर वो तो औपशमिक चरित्र तो अंगीकार करेगा। उस न्याय से उसके आठवें गुणस्थान में चरित्र के अपेक्षा कोई भाव पूछे औपशमिक भाव बोल सकते हैं। और यदि क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला हो तो वो तो गारंटी से चढ़ने वाला है, उसको तो बात ही नहीं चढ़ने की, तो क्षायिक भाव उसको अपन कहेंगे चरित्र की अपेक्षा। अब दूसरी बात, ये एक अपेक्षा हुई, दूसरी अपेक्षा ये है चरित्र की अपेक्षा। देखो यहाँ पर तो सर्वघाती स्पर्धकों को उदय भावी क्षय, अनंत अनुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान वर्ण, अनंत अनुबंधी की तो बात ही नहीं करना है अभी, उसका तो विसंयोजित हुई होगी या क्षय हुई होगी। तो वो अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान वर्ण संज्वलन का उदय अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान वर्ण का उदय भावी क्षय और उन्हीं का सदावस्था रूप उपशम और संज्वलन के और नौ कषाय का देश घाती स्पर्धकों का उदय, कौन सा उदय चलेगा यहाँ पर, मंदतर, हाँ यहाँ पर मंदतर उदय चलेगा। तो उस न्याय से देखो तो क्षयोपशम की परिभाषा घटित हो रही है, तो यहाँ पर क्षयोपशम चरित्र होगा, ठीक है। तो अपेक्षा विवक्षा भेद है, इसलिए एक विवक्षा में 10वें गुणस्थान तक क्षयोपशमिक चरित्र कहा है, क्योंकि कह रहे 11वें में औपशमिक होगा, 12वें में क्षायिक चरित्र होगा, तो 11वें तक क्षयोपशमिक चरित्र कहा एक अपेक्षा से। और एक अपेक्षा से इसीलिए 10वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान कहा है। वैसे हम क्या देखते हैं, शुक्ल ध्यान कहाँ से चालू हुआ, 8वें गुणस्थान से कहते हैं ना, लेकिन किसी अपेक्षा से पूज्यपाद स्वामी ने 10वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान कहा और 11वें से आगे शुक्ल ध्यान कहा है उन्होंने, ठीक है। उनके उनके अपने अपेक्षा है, तत्व और सूत्र की विशेष टीकाएं देखी जाए तो और समझ जाएंगे आप, क्या समझ जाएंगे 11वें के। देखिए शुक्ल ध्यान 8वें से प्रारंभ हुआ तो पूर्णता तो हुई नहीं थी ना, पूर्णता कहाँ हुई थी, 11वें में शुक्ल ध्यान की। तो कह रहे अभी क्यों बोल रहे हो फिर उसको, इसलिए 10वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान कहा, फिर 11वें में 12वें में दोनों ध्यान कहे, पहले दो शुक्ल ध्यान, फिर 13वें में तीसरा और 14वें में चौथा, ऐसे चार शुक्ल ध्यान कहे, 11वें में और 12वें में पहला दूसरा, 13वें में तीसरा, 14वें में चौथा। ऐसे में क्यों बोल रहा हूँ 11वें 12वें में पहला दूसरा, क्योंकि 11वें में पहला 12वें में दूसरा, ऐसा तो तत्व और सूत्रकार का टीकाओं का कहना है, धवल वालों का ये कहना ऐसा नहीं है। 11वें गुणस्थान के पूर्वार्ध में प्रथम शुक्ल ध्यान और उत्तरार्ध में द्वितीय शुक्ल ध्यान, उसी प्रकार 12वें गुणस्थान के पूर्वार्ध में प्रथम शुक्ल ध्यान और उत्तरार्ध भाग में द्वितीय शुक्ल ध्यान। कितने जन बात को समझ रहे हैं, अच्छा है, सभी समझ रहे, बहुत अच्छा। चलिए तो चरित्र की भी अपेक्षा हमने देखी अभी,
अब हम देखते ये दो गाथाएं क्या है, देखते 54 और 55 पढ़िए भाई, 54 और 55 गाथा। तारीस परिणाम जीवाहु झिणे हिम गलियति मीरे हिम मोहस पूव करणा कवणूब समणु जया वणिया। पढ़िए फिर से पढ़िए यही गाथा। हाँ देखो मोहस्य पूर्व करना, मोहस्य अपूर्व करना, अपूर्व करण वाला जीव मोहनीय की क्या करता है, खबण उपशमन उज्जया बनिया, क्षपण या उपशमन में उद्यत उज्जया उद्यत है जीव। किसने कहा जिने हिम गलिये तिमिरे हिम, जिसने तिमिर का गलन किया है, अंधकार का मोह रूपे अंधकार का अभाव किया है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है। तारीस परिणाम ठिय जीवा, उन जीवों के ऐसे परिणाम होते हैं। कैसे परिणाम, मोहनीय का क्षय या तो उपशम करने के, मोहनीय मतलब यहां पर चारित्र मोह, दर्शन मोह का तो अभी कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए हमने देखा था पहले 4 गुण स्थानों का ही विभाजन दर्शन मोहनीय की अपेक्षा है और बचे हुए सबका चारित्र मोहनीय की अपेक्षा है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अभी निद्दा पयल नठे सदियाउ उब समन्ति उब समया खवयम ढुक्के खबया नियमेण खबन्ति मोहम तु। फिर से पढ़िए निद्दापयल, निद्दापयल नठे, निद्रा और प्रचला इनका नाश होने के पश्चात इसका क्या भाव है, रहस्य है, वो अभी अभी हमें देखना है, देखेंगे। निद्रा और प्रचला का नाश होने के बाद नठे सदियाउ उब समन्ति उब समया, सदी आउ यदि आयु शेष रहती है तो, ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि निद्रा और प्रचला ये प्रथम भाग में ही नाश होता है इनका, और उसमें तो मरना नहीं है इनको, तो इनका तो नाश होगा ही, फिर इसके बाद यदि उनकी आयु शेष रहेगी तो उपशमक वाले उपशम कर देते हैं और क्षय वाले क्षपक क्षय कर देते हैं। अर्थ समझ रहे सब। और थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं, आज तो पूरा ही हो जाएगा ये, एक बात बता दूं, यहां पर जो निद्रा और प्रचला की बात की है ना इन्होंने नाश होने की, निद्रा और प्रचला का नाश मतलब क्या, निद्रा और प्रचला का नाश वैसे तो 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में होता है, उपांत्य समय में जो भी हो, यहां पर नाश मतलब उसका बंद होना रुक जाता है, संवर की तरफ संकेत है, संवर नहीं समझ में आ रहा है। जैसे हमने देखा 7वें गुणस्थान में संज्वलन के मंद उदय को लेकर कितनी कर्म प्रकृतियों का बंद कहा था, एक देवायु, उसी प्रकार संज्वलन के मंदतर उदय को लेकर 8वें गुणस्थान के प्रथम भाग में निद्रा और प्रचला का बंद होता है, फिर आगे समय में गए तो इनका नाश हो गया, फिर बंद नहीं होगा, तो नाश मतलब बंद नहीं होगा, सत्ता में तो पड़ा है, इतना मुझे कहना था, सत्ता में तो पड़ा है अभी भी उनके। ठीक है। और क्या बात है, मेरा प्रश्न है अभी 7वें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का निरोध बताया था अपन ने, 8वें में 62, पक्का है क्या, अभी 8वें गुणस्थान के दूसरे भाग में 64,
अभी इसमें देखना हमको, इसमें होलसेल में कम होने वाली है अभी, आठवें गुणस्थान में इतनी प्रकृतियों का निरोध होगा। अभी आते आते जब ये छठवें भाग में आते हैं ना, तो छठवें भाग में आते आते ये और 30 प्रकृतियों को घात कर खत्म करने वाले हैं, 30 प्रकृतियां, और सातवें भाग में ये और 4 प्रकृतियों का निरोध करने वाले हैं। कुल मिलाकर इसमें 36 प्रकृतियां का बंद होता है, मतलब नवे गुणस्थान में और 36 प्रकृतियां कम होने वाली है नवे में, समझ में आ रहा है। यहां पर जितनी बनती है उतनी आगे की भूमिका में घटती है, ऐसा नियम लगाना चाहिए आपको, ठीक है। क्या प्रश्न है बोलो मनन। हाँ, पहले भाग में कितने का बंद होता है, निद्रा प्रचला, छठवें भाग में 30, सातवें भाग में 4। अभी पहला छठवा सातवा ऐसे क्यों बोले, ये पहला दूसरा तीसरा ही बोल देते, नहीं नहीं ये बोलना चाहते उन्होंने, जितना भी काल होता है ना आठवें गुणस्थान का, उसका अंतर्मुहूर्त उन्होंने सामने खड़ा किया और उसके उन्होंने डिवाइड बाय 7 पार्ट किए हैं। 7 इसलिए किए हैं क्योंकि बीच में दूसरे भाग से लेकर पांचवें भाग तक कुछ नहीं होता अलग सा, इतना काल वैसे ही चला जाता है, इसीलिए इन्होंने ऐसे भाग किए। नहीं तो आपने, आपको लगेगा दूसरे से पांचवें भाग में होता क्या है, कुछ नहीं होता ना, ये सिद्ध हुआ, समझ में आ रहा है। इसलिए 7 भाग उन्होंने बनाए हैं। कितने जन समझ रहे बात को भैया, ठीक है। होता है ना बहुत बार कि आप पहले रूम में रहेंगे, आप छठे रूम में रहो और आप सातवें रूम में रहो, इसका मतलब 7 रूम है, तो दूसरे से लेकर पांचवें तक क्यों नहीं किसी को रोका, क्योंकि भैया वहां का काम अपूरा है, दूसरे से पांचवें तक का अधूरा है, वहां पर अभी टाइल नहीं लगी है, होता है कि नहीं ऐसा। तो उसी प्रकार यहां पर भी समझना। तो अभी कौन कौन सी 30 और कौन कौन सी 4 प्रकृतियां है वो हम देखते हैं। देखिए क्या है, देखिए छठे भाग पर्यंत तीर्थंकर प्रकृति, आपको पता है मैंने बताया था तीर्थंकर प्रकृति का बंद चौथे से प्रारंभ होता है और आठवें के छठवें भाग तक होता रहता है, मैंने कहा था आपको याद है। और छठवें भाग में जो बांधेगा तीर्थंकर प्रकृति वो सबसे जघन्य स्थिति बंद होगा, ये भी कहा था मैंने आपको, क्योंकि सबसे विशुद्ध परिणाम होता है। और जो चौथे गुणस्थान में बांधेगा संकलेश परिणाम में वो ज्यादा स्थिति लेके बांधेगा तीर्थंकर प्रकृति को। तो ये तीर्थंकर प्रकृति हुई, फिर निर्माण प्रशस्त व्याहयोगति पंचेंद्रिय जाति तेजस कार्मण, तेजस कार्मण आहारक शरीर, आहारक शरीर अंगोपांग, ये भी मैंने बताया था आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग भी सातवें से बनना चालू होती है, आठवें तक बनती रहती है। कुछ कुछ ऐसी रहती है ना प्रकृति, मैंने बताई थी आपको ध्रुव बंदी, अध्रुव बंदी, निरंतर बंदी, सांतर बंदी, मैंने आपको बताया था, आपको याद नहीं है, जो निरंतर बनती रहती है और कुछ सांतर, एक समय बंदी रुक गई फिर दूसरे समय में नहीं बंधेगी, निरंतर बंदी जो निरंतर बनती रहेगी अंतर मुहूर्त तक बनती रहेगी, ध्रुव बंदी वो चलती ही है अनादिकाल से चल रही है, समझ में आ रहा। अध्रुव बंदी वो कभी ना कभी तो रुकेगी, तो भव्यों के लिए अध्रुव बंदी प्रकृतियां बनती है और अभव्य के लिए वो ध्रुव बंदी है वे प्रकृतियां, ठीक है। वो भी अभव्यवती है, दुरानुदुर्भव्य भी, ठीक है। चलिए जैसे आयु है ना, ये निरंतर बंदी प्रकृति है, अंतर मुहूर्त बनती रहता है जब भी बनता है, और गति है ये सांतर है, मतलब मनुष्य आयु बन रही है ना किसी को, तो उसके बीच में उसको कितनी सारी आयु बन जाती है, कभी मनुष्य बनेगी, कभी तिरंज बनेगी, कभी कुछ बनेगी, गति ऐसी होती रहती है, समझ में आ रहा है। अब बोलो भाई, निर्माण का मतलब समझना चाहते हो, निर्माण मतलब क्या है, जैसे ढांचा खड़ा होना है, तो ढांचा कैसे खड़ा होगा इसका, लोक में जैसे बिल्डिंग बननी है तो उसका स्ट्रक्चर होता है ना, सामान्य लेआउट प्लान कैसे खड़ा होगा, वो सामान्य प्लान ये कितना 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 वो निर्माण निश्चित करता है, फिर निर्माण, फिर बंधन, संघात,
शरीर बंधन संघात, ये तीन होते। फिर सुनो, उसमें बीच बीच में मटेरियल डालते जाना, होता है ना प्लास्टर, वहां पर भी बीच बीच में फिर खड़े करते हैं, और फिर बीच में खड़े करते जाते हैं, फिर उसमें भी सीमेंट वीमेंट भरते हैं, और फिर उसको प्लास्टर करते हैं अलग सा। यहाँ पर भी निर्माण, फिर शरीर, फिर बंधन, फिर संघात, कितने जन को समझ में आ रहा है? शरीर बंधन संघात समझ में आ रहा है? देखो शरीर से क्या होता है, अनेक परमाणु आकर वो एक ढांचा खड़ा हो जाता है। निर्माण ने ढांचा खड़ा किया, संस्थान ने ढांचा खड़ा किया, एक निर्माण ने उसको बनाया, और सब परमाणु इकट्ठा हो गया कर पर्टिकुलर वो शरीर नाम कर्म के कारण। फिर बंधन के कारण वे सब परमाणु जुड़ गए अच्छे से, जैसे तिली का लड्डू। फिर उसमें सॉफ्ट फिनिशिंग आना चाहिए ना, प्लास्टर, तो संघात पैक, जैसे आटे के लड्डू सॉफ्ट फिनिशिंग। इसमें दिखता है क्या सरबरापन? कुछ नहीं दिखता ना, तो एकदम सॉफ्ट हो गई याद। तो वो किसके कारण? संघात के कारण, शरीर बंधन संघात। और फिर होता है संगनन, उसमें सीमेंट कौन से क्वालिटी का यूज किया गया, 43 ग्रेड 53 ग्रेड होता है ना, स्टील कौन सा यूज किया गया, ऐसा। तो ये निर्माण में आएगा, निर्माण समझ में आता है? आगे और कुछ पूछना है भैया इसका? तीर्थंकर प्रकृति तो आप सबको पता है, जिसके उदय के ये 13वें 14वें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति फलती है, विशेष पुण्य का सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति मानी जाती है नाम कर्म में ये निर्माण। फिर प्रशस्त विहायोगति, विहायोगति मतलब चलना, अच्छे से चलना, ये प्रशस्त विहायोगति से होता है। और अप्रशस्त विहायोगति खराब चाल, किसी की खराब होती है ऐसा। फिर पंचेंद्रिय जाति, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, पांच जातियां। फिर तेजस शरीर क्या है, जिसके कारण शरीर को कांति मिलती है। कारमण शरीर क्या है, ज्ञान आवरण आदि शरीर। आहारक शरीर, आहारक शरीर अंगोपांग क्या है, आहारक रिद्धि होती है ना, मुनिराज के मस्तक से एक हाथ मनुष्याकार सफेद सप्त धातु रहित स्फटिक मणि व समान ये पुतला निकलता है शंका समाधान हेतु। वो शरीर, वो आहारक शरीर, और उसके जो अंगोपांग होते मनुष्याकार, वो शरीर आहारक अंगोपांग। फिर समुचतुरस्त्र संस्थान, ये जो देवों के होता है समान, नाक का नाक सब समुचतुरस्त्र। देवगति, देवगति अनुपूर्वी, देवगति अनुपूर्वी मतलब विग्रह गति की चर्चा ही है। वैक्रिक शरीर, वैक्रिक शरीर अंगोपांग, उनके अंगोपांग होंगे, जो शरीर होगा वही अंगोपांग होते हैं। फिर वर्ण गंध रस स्पर्श, फिर अगुर लघु, जिस कर्म के कारण, आपने नहीं पढ़ा ना आपकी बार कर्मों का कुछ भी, प्रवेशिका में है क्या ये पढ़ाया नहीं है अभी तक, पढ़ाया है हाँ? अरे नहीं नहीं नहीं, आपको 148 कर्म नहीं पढ़ाए गए क्या? 148 सिलेबस में थे क्या वो, उसमें जैन प्रवेशिका में नहीं हो, प्रवेशिका में अच्छा उसमें नहीं है 148 कर्म, अच्छा ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ अगले साल जो 8th आएगी उसको मैं बड़ी वाली अद्योपांत मैं सोच रहा हूँ प्रवेशिका, फिर उनको साल भर प्रवेशिका ही चलेगी, फिर उनको दूसरा मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगे 8th वालों को, जैसे आपको इस साल ये पढ़ाए ना मैंने विषय, अगले साल उनको कुछ नहीं पढ़ाऊंगे विषय, अगले साल उनको टोटली वो प्रवेशिका ही पढ़ाऊंगा, फिर प्रारंभ से एंड तक पूरा वही चलाऊंगा। चलो देखिए अभी वर्ण गंध, फिर उसकी उनको एक एक रग रग की उनको जानकारी हो जाएगी, फिर उनको आधी रात भी उठकर पूछो तो फिर फटाफट बता पाएंगे सब। अभी आगे अगुरु लघु, अगुरु लघु जिसके कारण शरीर ना हल्का होता ना भारी होता है। उपघात, स्वयं का घात हो ऐसे कोई अंगोपांग मिलना। प्रघात, दूसरों के घात हो। उच्छ्वास ब्रीदिंग, त्रस ये दो इंद्रिया आदि जो होता है। बादर जिसके कारण रोकता है या रुकाता है। पर्याप्ति, जिसके कारण पर्याप्ति होती है। प्रत्येक, एक शरीर का स्वामी एक जीव। स्थिर, जिसमें वात पित्त कफ का बैलेंस हो। शुभ ये सुंदरता हो, सुबह भी लगभग ऐसा ही है, सुंदरता है और आवाज अच्छी हो, ऐसे आवाज के लिए तो सुस्वर है, खैर इसके लिए है कुछ।
आधे रूप जिसमें कांति हो विशेष प्रकार की, नाम कर्म की 30 प्रकृतियां और सातवें भाग पर्यंत हास्य रति भय जुगुप्सा रूप मोहनीय कर्म की 4 प्रकृतियों का, इस प्रकार 36 प्रकृतियों का बंध होता है। सुभग मतलब भी कोई सुंदर सुडौल आकार, सुडौल ऐसा कुछ है, सुडौल आकार मतलब अच्छा आकार बॉडी का। ये करेंगे चर्चा।